हेलो गाइस, आई एम आदरिका भदौरिया फ्रॉम एक्स्ट्रा कोडिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जिसके थ्रू हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर और एक्सपोनेंट निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, नंबर और नम टू। नंबर इक्वल टू float input enter the first number और इसी तरह हम एक और variable बनाते हैं num2। ये हमसे लेगा second number, enter the सेकेंड नंबर। ओके, यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसके हेल्प से हम इंटीजर और डेसिमल दोनों टाइप के नंबर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे एक ऑपरेटर भी ज़रूरत है हमें, तो हम इसमें एक ऑपरेटर इनपुट कराएंगे। ऑपरेटर इक्वल टू इनपुट enter the operator, okay? enter the operator। हम क्या करेंगे, यहाँ पे conditions लगाएंगे। if operator is equal to plus, okay? अगर हमने जो operator input कराया है वो प्लस है, जो हमने यहाँ पे ऑपरेटर इनपुट कराया है वो प्लस है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट नम वन प्लस नम टू। ओके, अगर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो ये नम वन और नम टू को प्लस करके प्रिंट करा देगा। अगर ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, हमने कोई और ऑपरेटर इनपुट कराया है, तो ये क्या करेगा, एलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस। अगर हमने माइनस इनपुट कराया है तो ये क्या करेगा, प्रिंट नम वन माइनस नम टू, तो ये क्या करेगा, नम वन में से नम टू को माइनस कर देगा और प्रिंट करा देगा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो ये क्या करेगा, दूसरा एलिफ स्टेटमेंट चेक करेगा, एलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हमने जो ऑपरेटर यहाँ पे इनपुट कराया है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट नम वन मल्टीप्लाई नम टू। ठीक है, तो ये नम वन और नम टू को मल्टीप्लाई करेगा और प्रिंट करा देगा। अगर ये स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स हो जाती है तो ये नेक्स्ट एलिफ स्टेटमेंट को चेक करेगा, एलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू डिवाइड। अगर हमने डिवाइड ऑपरेटर इनपुट कराया है तो ये क्या करेगा, प्रिंट नम वन डिवाइडेड बाई नम टू, तो ये नम वन को नम टू से डिवाइड करेगा और आंसर जो है वो प्रिंट कर देगा। इज इक्वल टू मोड। मोड रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। अगर हमने मोड पास किया है तो ये क्या करेगा, प्रिंट नम वन मोड नम टू, तो ये क्या करेगा, नम वन को नम टू से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा उसे प्रिंट कर देगा। अगर ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स होती है तो ये नेक्स्ट एलिफ स्टेटमेंट देखेगा, एलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ये डबल स्टार हम एक्सपोनेंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं पाइथन में।
अगर हमने एक्सपोनेंट पास किया है एज आर ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा नम वन एक्सपोनेंट नम टू। तो ये क्या करेगा, नम वन पे नम टू की पावर लगा देगा और जो आंसर आएगा उसे प्रिंट कर देगा। अगर इन सिक्स ऑपरेटर में से हमने कोई भी ऑपरेटर पास नहीं किया है, कोई और ही हमने सिंबल पास किया है, तो ये क्या करेगा, एल्स प्रिंट, ये एक हमें मैसेज देगा इनवैलिड ऑपरेटर। ओके, सो हमारा एक सिंपल कैलकुलेटर यहाँ पे बन गया है। सो लेट्स चेक वेदर आर कैलकुलेटर इज वर्किंग और नॉट। देखिए, एंटर द फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने इसे दिया 20 एंड 10.5 और इसे हमने यहाँ पे प्लस करा दिया, तो हो जाएगा 30.5। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने इसे दिया 20.6 एंड 10.3 और इन्हें हमने यहाँ पे माइनस करा दिया, तो देखिए 10.3। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 100 और इसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो देखिए 2000। अब यहाँ पे डिवाइड कराते हैं 45 और यहाँ पे हमने डिवाइड कराया, तो देखिए 9। अब जैसे हमने यहाँ पे पास किया 45 और 2 और हमने मोड पास किया, तो देखिए 45 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 रिमाइंडर आएगा, तो इसने यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया 5 और 2 और मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट दे दिया, तो देखिए 25। तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पे पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर पाइथन के थ्रू कैसे बनाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।